पाक रूहों पर झपटा और फिजा में दर्दनाक चीख थरथराने लगी। कैसा भयानक नजारा था, लेकिन हम दोनों ने एक ही वक्त एक ही ख्वाब किस तरह देखा। अभी ताज्जुब है गजाला, ख्वाब तो दुनिया में सभी देखते हैं, लेकिन हम दोनों का एक ही वक्त में एक ही तरह का ख्वाब देखना कुछ समझ में नहीं आता। चलो अपने बुजुर्ग सरदार के पास चले, शायद वो इसकी ताबीर बता सके। चलो जवान दिलों के लिए अनजान मोहब्बत खुद एक मौजदा है मेरे बच्चों। ये बोलता हुआ जादू और न उतरने वाला नशा है। तुम दोनों की मोहब्बत उन दो पाक रूहों की तरह लापानी, इस ख्वाब की यही ताबीर। लेकिन वो पाक रूहें, वो रूहें मोहब्बत के पैगंबरों की थी मेरे बच्चों। कौन थे वो दोनों? कुदरत के शाहकार, एक लड़का एक लड़की। दोनों के जिस्म अलग अलग थे, लेकिन रूह एक थी। एक का दिल दूसरे के सीने में धड़कता। हमें सुनाइए उनकी कहानी। वो दोनों इसी रेतजार में पैदा हुए थे और रेत के इन्हीं दो टीलों के नीचे उनके मजार। उनके मकबरे क्यों नहीं बने सरदार?
दुनिया मोहब्बत करने वालों की दुश्मन है मेरे बच्चों। मोहब्बत के मजबूर और बेकस शहीदों के मजार पर कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं, लेकिन हवा रोज उनकी कब्रों पर झाड़ू देती, नसीम रोज उन पर फूल चढ़ाती, शबनम उनकी मुसीबतों पर रोती और आसमान हर रात को उनके मजारों पर सितारों का शामियाना लगाता है। उनके नाम क्या थे सरदार? उनके नाम थे सैकड़ों बरस पहले अरब के लोग चरागाहों की तलाश में कबीला दर कबीला फिरा कर मिल गया तकदीर से चश्मा, यहाँ खैमा जन है दो अरब के खानदान, एक कबीला मरी एक सरवरी, दोनों सरदारों की कायम अफसरी। अमरीका पैस बागे जिंदगी, लैला सरवर का चरागे जिंदगी। मिल के रहते थे ये दोनों कारवां, एक बहुत छोटा सा मकतब था यहाँ। पैसों लैला जिसमें पढ़ते थे मुदाम, कैसे लिखता रहता था लैला का नाम, लैला का नाम, लैला का नाम। नाम है हुंदी। ये देखो जमीन से भी लिख दिया लैला। अच्छा सबक याद किया है तुमने, और तुमने भी तो यही सबक याद कर रखा है। याद तो किया है, लेकिन आज जब लिखने बैठी तो कलम की नक्शी टूट गई। लाओ मैं बना दूं ताकि हमेशा तुम मेरा ही नाम लिखो। से 10 साल पहले इसी जगह तरह बिजली चमकी थी। बिजली ने आज की तरह तुम्हारा नाम लिखा था। मैं डर के मारे तुमसे लिपट गई थी कैस, और फिर आसमान पर अंधेरा छा गया था। अंधेरी रात में शमे रुखसार का उजाला और चांद की रोशनी में जुल्फों का साया। लैला, लैला तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कैसे कैसी नेमतें बख्शी हैं। और मुझे भी कहे। मैंने अक्सर अपने सीने में तुम्हारे दिल की धड़कनें सुनी हैं। और मैंने अपनी सांसों में तुम्हारी सांस की गर्म महसूस की है। तुम्हारी खूबसूरत आंखों में मेरी मोहब्बत की सुबह भी मुस्कुराती है और शाम भी। तमाम दुनिया से छुड़ाकर मुझे अपने दामन में छुपा लो कहे। तुम्हारे दामन मोहब्बत का साया लैला की जन्नत है। मैं लैला का कैस हूँ। और मैं कैस की लैला। जी चाहता है हमेशा इसी तरह बातें करते रहे।
प्यार की बातों का ये सिलसिला कभी खत्म ना हो। मैं तुम्हें देखा करूं और मैं तुम्हें, जिंदगी की शान हो जाए एक दूसरे को देखते थे। चांद हंस रहा है। चांद के हंसने में एक राज है लैला, ये उसी वक्त मुस्कुराता है जब दो दिलों को मोहब्बत करते हुए देखता है। ये मोहब्बत का फरिश्ता है लैला। ये भी मोहब्बत करता है किसी से। दुनिया में हर चीज किसी न किसी से मोहब्बत कर रही है, चकोर चांद से, परवाना शमा से, भंवरा फूल से और चांद, चांद हमारी जमीन से। चांद मोहब्बत के हसीन फरिश्ते, तेरी किरणों की छाव में हम अहद करते हैं कि एक दूसरे को अपना शरीक जिंदगी समझेंगे। मोहब्बत की बारगाह में वफाओं के इम्तिहान देंगे। उम्मीदें दिलाकर भूल न जाना कैस, कहीं लैला को दी हुई उम्मीदें आंसू न बन जा। नहीं लैला, हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के लिए पैदा हुए हैं, मोहब्बत के लिए जिएंगे, मोहब्बत के लिए मर जाएंगे, और हमारी मोहब्बत की यादगार एक कभी ना भूलने वाली दास्तान बाकी रह जाएगी। ऐसी दास्तान जो सबक सिखलाएगी सच्ची मोहब्बत का जमाने को, अकीदत से करेगी याद दुनिया इस फसाने को। रहेगा साथ तेरे नाम लैला दारे फानी में, मेरा भी जिक्र आ ही जाएगा तेरी कहानी में। लैला, लैला, बहुत देर हो गई, अब जा रही हूँ। जाने कैस, फिर कब आओगी? कल इसी वक्त। भर लिया पानी? हाँ, अब जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है। अब आओ फिना। कल भी देखा और आज भी, कई महीने पहले भी और कई साल पहले भी, और आपने आज तक मुझे नहीं बताया। मुझे क्या मालूम था अमीर, आपकी खादमाएं, आपके गुलाम, आपकी कनीजें, इनमें से किसी ने भी ये तस्करा नहीं किया कि पानी भरने की आड़ में आवारा नंगे खानदान कैद आपकी इज्जत और गैरत पर किस तरह डाका डाल रहा है। लैला अब भी घर में नहीं है। खून उबल गया जाफर, मैं कैस की जिंदगी के लिए फरिश्ता मौत बन जाऊंगा। लैला, 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 कहाँ है लैला? तो क्या हुआ? मैं पूछता हूँ लैला कहाँ है? पानी भरने गई है। पानी भरने नहीं, वो तुम्हारे लिए जहर लाने गई है। अमीर, वो नंगे खानदान लड़की जिस कोख से पैदा हुई है वो एक अंधा कुआं है जिसमें खैरत के पानी के बूंद भी नहीं। अब शक की दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं है अमीर। वो हर रोज चश्मे पर पानी लेने जाती है और वहाँ कैस आता है। तो वो कोई अकेली जाती है पानी भरने? सारे कबीले की लड़कियाँ जाती हैं, सबके कैस आते होंगे। नहीं, सिर्फ लैला का कैस आता है। यहाँ जहान की बेटियाँ होती हैं, लेकिन तुमने तो गरीब को नक्कू बना लिया है। बाप होकर अपने ही मुँह पर थूकते हो। मेरी मासूम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते तुमको शर्म नहीं आई? फिर चश्मा कोई वीरान जगह नहीं, खुला आम रास्ता है। जिसने तुम्हें कहा उसके मुंह में कीड़े पड़ेंगे अल्लाह ने चाहा तो। जिसने कहा है वो तुम्हारा भाई है। भाई हो या बाप हो, खुदा गारत ही करेगा उसे। खड़े कद बिजली टूटेगी देखना, मेरी मासूम बच्ची पर इल्जाम लगाया है। खुदा जिस शरीफ को बेटी देता है उसके बाप को गैरत भी देता है। तो कौन सा धक्का लग गया तुम्हारी शराफत को? कौन सी बिजली टूट पड़ी तुम्हारी गैरत पर? माँ बेटी के भेद छुपाना खूब जानती है तायरा। मैं लैला के मामा, आज से लैला अपने खेमे में कैद रहेगी। अमीर, तामील हो मेरे हुक्म की। दुनिया
पुकारे तू आजा, बहारों की दुनिया पुकारे तू आजा, तेरे मुंतजर हैं सितारे तू आजा, बहारों की दुनिया। खुश रहे तू बुला देने वाले, बुला देने वाले, दुआ दे रहे हैं दुआ देने वाले, दुआ देने वाले, मेरी जिंदगी के सहारे तू आ जा, बहारों की दुनिया। कौन सा गुनाह किया है जो हमें तड़पने की सजा दी गई? मोहब्बत दिलों को तड़पा कर ही खुश होती है लैला। आंसुओं को मुस्कुराहटों में छुपा लो, सखम की तरह हंसो, शमा की तरह चलो, यही मोहब्बत का कानून है। मोहब्बत का हुक्म सर आंखों पर कर, लेकिन ये दुनिया वाले हमें एक दूसरे से मिलने क्यों नहीं देते? बदनाम, नंगे खानदान, रुस्वा, जलील, मोहब्बत वालों की शान में अल्फाज क्यों कहे जाते? मोहब्बत वालों की जबानों से हजारों बार यही फरियादें बुलंद हो चुकी हैं,
लेकिन दुनिया ने एक ना सुनी। किसी को कत्ल किया, किसी को दार पर खींचा, किसी की आंखें निकाली, किसी को दूध की नहर में तेशा मारकर मरने पर मजबूर कर दिया। जुर्म में मोहब्बत की ये हौलनाक सजाएं दी गई और सजा पाने वालों ने जुर्म के खिलाफ आवाज तक न उठाई। आवाज कुचल दी गई, फरियादों का गला घोंट दिया गया, गम फिराक की सजा बहाल रही। गम फिराक का इलाज क्या है कर? चांद ने बुलबुल से पूछा फिराक का इलाज क्या है। वो फूल की आगोश से खाक पर गिरी, तड़पी और मर गई। कितनी प्यारी मौत, कितनी प्यारी मोहब्बत। मोहब्बत ही मेरी जिंदगी है लैला। चाहता हूँ जिंदगी की जितनी सांसें बाकी हैं वो इसी आग को हवा देने में सर्फ कर दूं, ताकि मोहब्बत जिंदा रहे। मोहब्बत जिंदा रहेगी तो लैला जिंदा रहेगी, लैला जिंदा रहेगी तो कैस जिंदा रहेगा। मैं लैला की शमे रुखसार का परवाना बन जाऊं, मुझे दीवाना तुम कह दो, अभी दीवाना बन जाऊं। दीवाने बनोगे तो लैला का क्या होगा कैस? जानते हो लैला तुम्हें क्या समझती है? फिर अपनी मोहब्बत का अंदाज जुदा होता, मैं तुमको खुदा कहती अगर हुक्म खुदा होता। लैला, आदिल, कागज लगाने गई थी तुम्हारी बच्ची तुम्हारे मुंह पर। क्या हुआ मेरी बच्ची को अमीर? मैं आज फैसला ही करके आऊंगा। कैसा फैसला? सुनो तो अमीर। आमदेद अमीर, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत? और क्या खिदमत करना बाकी रह गया है अमीर? आपकी मेहरबानियों ने मेरे कलेजे को जख्मों से भर दिया है। मैं उन जख्मों के लिए मरहम मांगने आया हूँ जो आपने मेरी शराफत के सीने में पैदा किए हैं। जख्म? ये क्या फरमा रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं समझा। कुछ नहीं समझे? दूध पीते बच्चे हैं आप। आज दोनों कबीले बखूबी जानते हैं कि बदनीयत कैस लैला को बुरी नजर से देखता है। मोहब्बत की नजर बुरी नजर तो नहीं होती अमीर। ये कहकर आप मेरी तोहिन कर रहे हैं। बेटी के बाप होते तो समझ सकते इस वक्त मेरे सीने में कैसी आग तो लग रही है। खुदा की कसम अमीर, मैं लैला को अपनी ही बेटी समझता हूँ। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस आग को रिश्ते के आप हयात से ठंडा कर दीजिए। अमीर, ये दूसरी बार आपने मेरी तौहीन की है। ये तौहीन सारे कबीले सरवर की तौहीन है। ये तौहीन सारी अरब कौम की तौहीन है। अगर आपको रिश्ते की बात करना थी तो मेरे घर आना चाहिए। इस वक्त शादी का पैगाम देकर आपने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। मैं आपका महकूम नहीं, गुलाम नहीं। फिर ये रिश्ता करते हुए आपको शर्म ना आई? आंखों से खून न बरसाओ अमीर। अगर ठंडे दिल से आप दोनों बच्चों का मुस्तकबिल सोचते तो यही आंखों का खून लैला के हाथों की मेहंदी बन जाता। अमीर, बिरादर इतना गुस्सा न करो, ये मोहब्बत का मामला है। अरब की तारीख उस कुश्त खून से भरी पड़ी है जिसमें मोहब्बत के लिए कबीलों ने आपस में लड़कर अपने आप को तबाह कर लिया। मसनद हाजिर है, तशरीफ रखिए। मसनद? मुझे नहीं चाहिए आपकी दी हुई इज्जत। मुझे आपके साए तक से नफरत है। एक अरब अपनी बेइज्जती को कभी ठंडे दिल से बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही ईंट का जवाब पत्थर और लश्कर का जवाब तलवार से देना जानता है। याद रखिए, अगर आइंदा कैस हमारे खेमों के करीब देखा गया तो यह उसकी लाश आएगी।
कैस, कैस। ये जख्म, ये जुल्म। लाश ही भेजिए तुमने सरवर, मुकदमे से पहले ही तुम फैसला कर चुके थे। यही है तुम्हारा इंसाफ, यही है तुम्हारी शराबत। आओ इस जख्म को देखो, इस खून को देखो, इस नातवा बूढ़े के थर थराते हुए जिगर को देखो। सरवर, मेरी 18 साल की कमाई को खाक में मिलाने वाले रेगिस्तान के संग दिल इंसान, चले जाओ, चले जाओ, वरना कहीं खून देकर मेरी खून की प्यास न बढ़ जाए। अमीर, आखिर बाप का दिल है, कहीं जोश में दीवाना होकर तुम्हारे कत्ल का हुक्म न दे बैठे, यहाँ खून की नदियां न बह जाए, इससे पहले चले जाओ। बस अमीर, जबान बंद करो, वरना कबीला इस सरवर के जवान खंजर पर खत्म खैबों पर टूट पड़ेंगे, और मुझे जिल्लत और तौहीन का इंतकाम लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। तुम्हें इंतकाम अभी होना चाहिए, इसी वक्त होना चाहिए। सुबह अमीर, पत्राक अमीर, जहन अमीर, शिमरान अमीर। कुछ नहीं, ये हमारे घर आया हुआ मेहमान है, मेहमान है। लखते जिगर, जल्दी तबीब को बुलाओ। आदिल, उम्मत, रकील, शोएब, ज़ैद, ज़ैनब खालो, सामान बांधो, सवारियां लाओ, सबको जगाओ, हम यहां नहीं रहेंगे। कबीला आमरी के लोग हमारे दोस्त के साथ, वो बदतमान है, बदकरदार है, कि कौन छूटे उनके अमल छूटे। दूर भागो, उन पर लानत भेजो, उनसे नफरत करो, उन्हें भूल जाओ, खाओ खेमे, खेमे उखाड़ो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या गजब हो गया जरा, कबीला तो सफर कर रहा है, न जाने कहाँ जाएंगे हम लोग। बहन, तू मेरे घर तक मेरा पैगाम पहुंचा दे, उसे कह लैला जा रही हूँ। कैसे पैगाम पहुंचा दे, अमीर सख्त नाराज, सुन रही हो आवाज़? अमरीका कोई सख्त इधारा है, उसे सख्त कर दो। चलो, हमें अभी पूछ करना है। खुदा के लिए जाएगा, मेरे कैद को मेरा सलाम कहते, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती, तेरी हिम्मत नहीं पड़ती तो मैं खुद जाती हूँ। मैं अपने कैद को सलाम किए बगैर नहीं जाऊंगी। तेरा हाँ, मेरे गम पार हो
मेरे शहदा को सलाम, चल दिए हम तेरे मजबूर तमन्ना को सलाम, मेरे सरकार तेरे इश्क की दुनिया को सलाम। मुझे तुम्हारा पैगाम मिल गया, हवा ने तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक पहुंचा दी। मैं आ रहा हूं लैला, मैं आ रहा हूं। पीछे पीछे हमारी भी तो सुनो सरकार। कौन जी? मैं आपका बंदा नवाज। ओहो, क्या बुरे वक्त मरे हो, कितनी बार कहा राह चलते मत होगा को, यहाँ क्या लेने आया हूँ? लेने आया हूँ, बसेरे के वक्त कौवा अपने घोंसले में घूम फिर कर आ ही जाता है, और फिर आग लगे तुम्हारे घोंसले को। जाओ भी, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, जनाना महल है, बहुत पिटोगे। ओहो जी, पिटने से डरते तो आपसे मोहब्बत ही क्यों करते, और फिर हम तो बड़ी बड़ी महफिलों से निकाले हुए हैं। 100 जूतों से कम रुतबा आली नहीं होता, इज्जत वो खजाना है जो खाली नहीं होता। आखिर बकोगे भी, यहाँ क्यों टपकते हो? ओहो, शहजादे के लिए खुशखबरी लाया हूँ। शहजादे को फुर्सत नहीं है। आपको तो फुर्सत है ना थोड़ी सी? नहीं है? इस वक्त शहजादे साहब अपनी मंगेतर जरीना के साथ हैं। ओहो, जरीना, जरीना के साथ है? ओ नादरा, ओ भी नादरा, बात तो सुनती जाइए। ओहो, इस शहजादे से कहिए कि नवाज आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। आज साहेब आलम की बेचैनी किसी खास परेशानी का पता दे रही है। मायूसियों की आग बुझाने के लिए कोई नगमा पेश करूं? आग से आग नहीं बुझती दरीना, मौसीकी आग है। मैं आग से खेलना नहीं चाहता, लेकिन कोई आग है जो मुझसे खेल रही है। मेरी तरफ देखिए, शेर व शबाब के मजमूए का नाम औरत है। अगर औरत की आवाज का सहारा न मिले तो मौसीकी साज के तारों पर तड़पकर मज। दरीना, जब मौसीकी तारों पर रक्स करना छोड़ दे, साज नगमा से महरूम हो जाए, तो उसे तोड़ कर फेंक देना चाहिए। सच कहिएगा, क्या कसूर हुआ जो हम निगाहें कर्म से महरूम हो रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आता, इस महल में उसम मौसीकी के कितने ही फानूस जगमगा रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल का अंधेरा कम नहीं होता। अकलमंद दोस्त वो है जो दोस्त के मिजाज से वाकिफ हो जाए। मैंने कई दिन पहले साहिब आलम के तेवर पहचान लिए थे, और आला हजरत साहे राग से दरख्वास्त की थी
کہ ہمیں سیر و شکار کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ، زرینہ تم نے میرے دل کی بات کر دی۔ مانگو، آج کیا مانگو؟ آپ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ، یہی میری زندگی ہے شہزادہ۔ زرینہ میرے قریب آؤ، اتنے قریب جتنے کے پھولوں سے پنکھ ہیں۔ او بسم اللہ بسم اللہ، حضور خدا زیادہ دے، بسم اللہ۔ نواز جی، بندہ نواز، تم یہاں کیسے؟ خیریت تو ہے؟ حضور کوچ کا سامان ہو رہا ہے۔ کس کا؟ حضور آپ کا۔ تو کیا بادشاہ سلامت نے سیر کی اجازت دے دی؟ اگر اجازت نہ دیتے تو میں فاقوں کا ناشتہ شروع کر دیتا حضور۔ نواز جی، بندہ نواز، ہم آج ہی سفر کریں گے۔ او لیکن کباب میں ہڈی کا کیا دم، اسے کہاں لے جائیں گے؟ کیا حرج ہے، یہ ہمارا دل بہلائے گا۔ او لیکن حضور، یہ تین کا ہندسہ بڑا منحوس ہوتا ہے، اگر آپ دیں تو میں نادرہ کو بھی۔ ہاں ہاں ضرور لے چلو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کون سا شہر دیکھیں گے پہلے؟ حضور طائف، طائف سنتے ہیں کہ طائف کا ہر ایک گوشہ چمن ہے، حوروں کی وہ فردوس ہے اور پریوں کا وطن ہے۔ بلبل میں ہے نغمے تیرے، گل میں تیری بو ہے، ہر شے میں تیرا نور ہے، ہر چیز میں تو ہے۔ آنکھوں میں ہے تو سانسوں میں ہے تو، آنکھوں میں ہے تو سانسوں میں ہے تو، دل سے تیرا جلوہ دور نہیں، دل سے تیرا جلوہ دور نہیں۔ آنکھوں میں ہے تو ہاتھوں میں ہے تو، دل سے تیرا جلوہ دور نہیں۔ چاہے بے پردہ میں دیکھوں حسن تیرا، او بے پردہ میں دیکھوں حسن تیرا، بے پردہ میں دیکھوں حسن تیرا، یہ بات مجھے منظور نہیں، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ بے پردہ میں دیکھوں حسن تیرا، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ ہر ایک ذرے پہ لکھا ہے تیری الفت کا افسانہ، وہ دل بیکار ہے یا رب نہ ہو جو تیرا دیوانہ۔ قسم ہے تجھ کو میرے دل کی حالت، پوچھ لے مجھ سے کرم سے، تیرے کچھ مشکل نہیں، بگڑی کا بن جانا۔ آ یا بگڑا بنا دے کام اپنا، یا دل سے مٹا دے نام اپنا۔ یا بگڑا بنا دے کام اپنا، یا دل سے مٹا دے نام اپنا۔ دل سے مٹا دے نام اپنا، سجدے بھی کرے شکوے بھی کرے، سجدے بھی کرے شکوے بھی کرے، بندوں کا تیرے دستور نہیں، بندوں کا تیرے دستور نہیں۔ سجدے بھی کرے شکوے بھی کرے، بندوں کا تیرے دستور نہیں۔ آنکھوں میں ہے تو سانسوں میں ہے تو، دل سے تیرا جلوہ دور نہیں۔ تجلی ہے تیری یہ چاند کیا ہے،
चांदनी क्या है अगर नजरे सलामत है तो जलवों की कमी क्या है लबों पर नाम है तेरा दिलों में याद है तेरी मोहब्बत का फसाना है हमारी जिंदगी क्या है घुट घुट के सदा हम मरते हैं घुट घुट के सदा हम शिकायत करते हैं मर्जी है तेरी जो चाहे करे मर्जी है तेरी जो चाहे करे मुख्तार है तू मजबूर नहीं मुख्तार है तू मजबूर नहीं मर्जी है तेरी जो चाहे करे मुख्तार है तू मजबूर नहीं आंखों में है तू सांसों में है तू दिल से तेरा जलवा अबे लंगड़े आज तो तेरे चार टांगे लग गई हैं बड़े सपाटे से चला रहा है किस नान भाई की दुकान पर डाका मारा है तूने जो इतनी रोटियां उठाना है डाका नहीं भाई यूं कहो कि हम अल्लाह वालों की किस्मत खुल गई है ऐसा क्या किसी के यहाँ सात बेटियों के बाद नामुराद बेटा पैदा हुआ नहीं जी शहर में एक बहुत बड़ा रईस आया हुआ है उसकी लैला नाम की इकलौती बेटी बीमार है बीमार है लैला बीमार अल्लाह जाने क्या बीमारी है ना हंसती है ना रोती है ना बोलती है ना चालती है एक मौलवी साहब ने बताया है अगर लड़की अपने हाथ से खैरात दिया करेगी तो अच्छी हो जाएगी खैरात लैला अपने हाथ से खैरात देती है लैला अपने हाथ से खैरात देगी भरदे झोली अल्लाह नाम भरदे झोली अल्लाह नाम सभी की खैर माई बाबा की खैर तेरे बनेंगे बिगड़े काम भरदे झोली अल्लाह नाम भरदे झोली अल्लाह नाम दर पर तेरे सदा लगाए अंधे पीर फकीर हो अंधे पीर फकीर दर पर तेरे सदा लगाए अंधे पीर फकीर हो अंधे पीर फकीर सबकी दुआएं ले ले बाबा बने तेरी तकदीर हो बने तेरी तकदीर सभी की खैर माई बाबा की खैर तेरे बनेंगे बिगड़े काम भर दे झोली अल्लाह नाम भर दे झोली अल्लाह नाम यार तेरे साथ चलेगा सुन दुखियों की बात हो सुन दुखियों की बात यार तेरे साथ चलेगा सुन दुखियों की बात हो सुन दुखियों की बात सदका तुझको अपने कर्म का दे दे कुछ खैरात हो दे दे कुछ खैरात सभी के खैर माई बाबा के खैर तेरे बनेंगे बिगड़े काम भर दे झोली अल्लाह नाम भर दे झोली अल्लाह नाम
जाने तमन्ना जलवा दिखा दे होगा तेरा एहसान हो होगा तेरा एहसान चश्मे करम से कुछ तो कर दे जीने के सामान हो जीने के सामान सभी की खैर माई बाबा की खैर तेरे बनेंगे बिगड़े काम भर दे झोली अल्लाह ना भर दे झोली अल्लाह ना सभी की खैर माई बाबा की खैर तेरे बनेंगे बिगड़े काम भर दे झोली अल्लाह ना भर दे झोली अल्लाह ना सवाल तुमसे नहीं मैं तो सखी के हाथ से खैरात लेने आया हूँ खैरात ना दोगी लैला लैला ये तुम्हारे हाथ से खैरात चाहता है इसका सवाल पूरा कर दो खैरात ना दोगी लैला 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 दाना खत्म हो चुका था पिंजरे की तीलियों से चिमटा हुआ एक और परिंदा था जो सर की टकरों से पिंजरा तोड़ने में नाकाम होकर मर गया कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो आज अपनी कहानी सुना रही हूँ अंजाम बता रही हूँ होश में आओ लैला तुम्हारा कैस आया था ना आया था कैस कहाँ चला गया वो खैरात मांगने आया था भिखारी बनकर भिखारी बनकर हाँ तुमने उसका कासा तोड़ दिया लैला मैंने मैंने उसका कासा तोड़ दिया नहीं नहीं ये नहीं हो सकता वो कहाँ चला गया मुझे उसके पास ले चलो घबराओ नहीं लैला वो जहाँ भी होगा मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगी सच ले चलोगी मुझे मेरे कैस के पास अपनी लैला की कल बीमार थी लैला तुम्ही ने बीमार किया था तुम्ही ने आकर अच्छा कर दिया इतनी दूर से चलकर आई तुम्हारे पांव दुख रहे होंगे
पाँव नहीं दुख रहे हैं कैश, तुम्हारे न देखने से आंखें जरूर दुखने लगी थी। तेरे नाले असर लाए, तेरी फरियाद रास आई, शमा परवाना बनकर खुद ही परवाने के पास आई। परवाना शमा से पूछता है, किस कसूर पे शमा ने परवाने को जला डाला? ताज डारे मोहब्बत, इसमें शमा का क्या कसूर है? वो परवाने के दिल की तड़प थी जिसने शमा को रोशन किया। शमा खुद जलती रही और लोगों ने कहा ये परवाने को जला रही है। आग रखती है शमा सर पे कसम खाने को, बखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को। जब परवाना कांपते हाथों में कासा लिए हुए शमा से हुस्न की खैरात मांगने आया, तो शमा ने फकीर का कासा तोड़ दिया। बादशाह इश्क को फकीर की सूरत में देखकर हुस्न के आंसू बहने लगे, आंखें तड़प उठी, हाथ कांपने लगे, और जज्बाए शौक और बेताबी में जो कुछ हुआ हुस्न को उसकी कोई खबर नहीं। शायद हुस्न की सरकार बादशाह इश्क को आसमाने आई। निशाना सामने है, आज जी भर कर हुसन के तीरों की बारिश कर दो। ताज तारे मुहब्बत, हुसन खुद अपना तमाम सरमाया लेकर इश्क के कदमों पर लुटाने आया है, ताकि इश्क को हुसन से कोई शिकायत बाकी न रह जाए। नहीं लाला, मोहब्बत वाले कोई आरजू नहीं रखते सवाय मोहब्बत के। जैसे हुसन इश्क दो अलग अलग लफ्ज होते हुए भी एक दूसरे की परछाई है, इसी तरह कैस और लैला दो अलग अलग जिस्म होते हुए भी एक दूसरे का अक्स है। आंखें दिल की शिकायत नहीं करती, दिल आंखों का शिकवा नहीं करता। लैला लैला, आज मैं बहुत ही खुश हूं। इधर देखो, चांद फिर मुस्कुरा रहा है। कितने दिनों के बाद इस चांद को फिर हंसता हुआ देख रही हूं। फिराक की रातों में यही चांद कितना उदास था, सितारे इसकी आंख के आंसू मालूम होते थे। फिराक का जिक्र न करो लैला, ये चंद लम्हों की मुलाकात अफसुर्दा हो जाएगी। तो आओ ऐसी दुनिया में भाग चले जहाँ फिराक न हो, सिर्फ मोहब्बत हो। ऐसी दुनिया का नाम है कैस का दिल। मुझे छुपा लो अपने दिल में कर लैला। लाला लाला, जा रही हूँ कर। मुझे तड़पता हुआ छोड़े जा रही हूँ लाला। मजबूर हूँ कर। लाला इस शादी के बहाने में तुम्हें यहाँ लाई थी, तुम्हारी अम्मी जा रही है वहाँ। चलो अभी। खुदा हाफिज। सचमुच तेरे अब्बा शादी से पहले मुझे बहुत चाहते थे। अरे क्या बताऊं, तू हंसेगी। बताओ अम्मी, फिर क्या हुआ? तो एक दिन अल्लाह का करना ये हुआ कि तेरे बाप एक अंधे फकीर का भेष बदलकर मुझसे मिलने आ ही तो गए, और देख लिया मेरे अब्बा ने। फिर तो बड़ी मुश्किल हुई होगी अब्बा की। कैसे कुछ, मैं रोऊं जार जार और मेरे अब्बा डांटे बार बार। और मेरे अब्बा का क्या हाल था? पूछो मत, अल्लाह दे और बंदा ले। अरे ये कौन की पड़ा जोड़ी में? क्या बेटी देख तो जरा। बेचारा कौन हो तू, रास्ता भूल गए? चलो तुम्हें रास्ता बता। एक रास्ता बताकर तो ये हाल किया, अब कौन सा रास्ता बताओगी? कैस, तुम तुम्हारी आंखें तो ठीक है, मेरी तरफ देखो। लैला आंखें तो उसी दिन जाती रहीं जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, अब तो मैं तुम्हारी आंखों से देखता हूँ। अंधे क्यों बन गए थे? इश्क की मेहरबानी है, वो खुद अंधा है और जिसे अपना निशाना बनाता है उसे भी अंधा कर देता है। लाला अंधा है बेचारा, अम्मी प्यासा भी है। ठहर,
मैं पानी लाती हूँ बेटा। मुझे डर लग रहा है तय, तुम यहाँ ना आया करो। फिर कहाँ जाऊँ, सूरज को छोड़कर सूरज की धूप कहाँ जाएगी। अम्मी ने तुम्हें नहीं देखा लेकिन अब्बा अच्छी तरह पहचानते हैं, मैं डर रही हूँ। बहुत गरीब है बेचारा, नातवा भी है, नीमजा भी है, तो हमारी जोड़ी में कैसे गिर पड़ा। जलवा हुस्न किस घर में तजल्ली देखी, गिर पड़ा दिल पे जो गिरती हुई बिजली देखी। यूं ही बकता है अम्मी, देखता तो कुछ भी नहीं। ले पानी पिला दे, ले प्यास बुझा ले। नंगे खानदान, तूने ये जगह भी देख ली, ये अभी आगे हमें रुझवा कर दे। अरे अरे अंधा है बेचारा, तुम नहीं जानती ये कैस है, कैस है, तुम सब लौट आए, कहाँ कहाँ तलाश किया मेरे कैस को। बसरे में ढूंढा अमीर, बगदाद में ढूंढा अमीर, इराक में तलाश किया और कहीं पता न चला मेरे कैस का। एक बार फिर ढूंढो, फिर तलाश करो, उसी तरह जैसे हवा खुशबू को ढूंढती है, किरणें कलियों को ढूंढती है और मोहब्बत दिलों को ढूंढती है। जाओ जाओ, तुम थक चुके हो लेकिन बाप की आंखें न थकेंगी, बाप के कदम न रुक सकेंगे, बाप का दिल सब्र न कर सकेगा। कबीले में ऐलान कर दो कि आमरी की सरदारी खत्म हो गई, आमरी फकीर हो गया, कैस लैला का दीवाना है, आमरी कैस का दीवाना, दीवाने को दीवाना ढूंढने जा रहा है। कैस कैस कैस, तुम्हारे पायर शहर में और कौन सी चीज देखने का काबिल है। क्या करते हो, क्यों मारते हो बेचारे को, क्या कसूर था गरीब ने, ये दीवाना है। मैं लैला का दीवाना हूँ, लैला का नाम लोगे तो जान से मार देंगे। अरे ठहरो ठहरो, मारो मारो, खामखा गरीब को मार रहे हो, अब बात तो भेजे में उतरने दो। बात क्या है, कसूर क्या है, किस्सा क्या है। ये कहता है मैं लैला का दीवाना हूँ, वो तो क्या हुआ उसमें फिर, अगर मैं कह दूँ कि मैं लैला का दीवाना हूँ। क्या कहा, इनको भी मारो। मेरे महबूब, आओ इन वादियों में चलें, जहाँ चश्मे मोहब्बत का गीत गाकर नाच रहे हैं, रंग बिरंगे परिंदे खुशी में चहचहा रहे हैं, फूलों से लदी शाखें मस्ती में झूम रही हैं। आओ इन मुस्कुराते फूलों से हम भी अपनी मोहब्बत का दामन भर लें। मोहब्बत, मोहब्बत एक नादानी है जो शबाब की सुबह के साथ नमूदार होती है और शाम के साथ रुखसत हो जाती है। हम इश्को मोहब्बत के कायल नहीं। जब किसी माशूक की तिरछी नजर हो जाएगी, इश्क क्या है सब खबर हो जाएगी। नवाज, बंदा नवाज, क्या खबर लाए। कौन कौन सी जगह देखने के काबिल है यहाँ। हुजूर, देखने के काबिल यहाँ एक चलता फिरता दीवान खाना है।
दीवान खाना है? जी हाँ हजूर, माफी चाहता हूँ हजूर, मेरा मतलब है कि एक दीवाना है दीवाना मजनू, जिसे लोग पत्थर मारते हैं और वो हाय लैला हाय लैला क्या कर रोता है। रोता है? हाँ हजूर, वो लैला का आशिक है आशिक। ऐसे आशिकी के किस्से तो बहुत हुआ करते हैं, लेकिन ये किस्सा उन तमाम किस्सों का बाप है हुजूर। हाँ, हाँ, क्या अर्ज करूं हुजूर, अल्लाह मियां ने एक ऐसी हसीन लैला पैदा कर दी कि कैस दीवाना हो गया। कैस दीवाना हो गया लैला के हुस्न पर? ये लैला कौन है? हुजूर, यहाँ के एक रईस की लड़की है, मगर कयामत की हसीन है हुजूर। लोग कहते हैं कि ऐसी खूबसूरत लड़की ना आज तक पैदा हुई है और ना पैदा होने की उम्मीद है। खुदा की कसम हुजूर, लैला को पैदा करके कुदरत ने अपनी शोहरत के झंडे गाड़ दिए हैं। नवाज जी बंदा नवाज, हम लैला को देखना चाहते हैं। लैला को देखना आसान नहीं है हुजूर, उसके लिए मजनू की आंखें उधार लाना पड़ेंगी और इतने बड़े बड़े पत्थर खाने पड़ेंगे और फिर कहीं लैला दिखाई देगी। हम वो पत्थरों वाली लैला जरूर देखेंगे। ओ, तुमने लैला के हुस्न की तारीफ करके हमारे शौक की आग को भड़का दिया। नवाज जी बंदा नवाज, लैला के देखने का इंतजाम करो। क्या हो गया हुजूर आपको? मैं कहां से इंतजाम करूं, लैला को कबूतर है जो पकड़ कर ले आऊंगा। नवाज या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत गले पड़ गई है। हाँ सुनिए हुजूर, लैला को खूबसूरत नहीं है, वो तो सिर्फ मजनू को खूबसूरत दिखाई देती है। वो बिल्कुल काली है हुजूर, और सुना है कि लंगड़ी भी है हुजूर। लैला के मानी है रात, और रात काली होती है, रात भी होती है। नवाज जी बंदा नवाज, दिखाओ हमें लैला का दीदार। बड़ी मुश्किल हो गई है सरकार, कल लैला के दीवाने को देखा था तो आज तक बदन की हड्डी हड्डी दुख रही है, और अगर लैला को देख लिया तो ना जाने क्या हाल होगा। अच्छा सरकार, तो फिर कुछ आदमी साथ लेते चलिए। आदमी? हाँ जी। वो किस लिए? वो इसलिए सरकार की, अगर हम बेहोश हो गए तो हमें वहां से उठा लाए, सरकार इसलिए मार पड़ेगी कि हम खुद तो चलकर आने दे रहे, उठाकर ही लाना पड़ेगा, और वो भी फिर जिंदा या मुर्दा इसकी कुछ खबर नहीं। नवाज जी नवाज, तुझको दीवाना जो कहता है वो दीवाना है, याद तेरी कर रह गई, याद बन कर रह गई, याद तेरी जिंदगी का, दिल के हर धड़कन तेरी, दिल के हर धड़कन तेरी आग बन कर रह गई, आग बन कर रह गई, याद तेरी जिंदगी का। Hey
चलो अशरफ ये भाग जाओ तालिम ने कत्ल कर दिया क्या हुआ लैला खिड़की क्यों बंद कर दी वो कोई और था जरा मेरा कैश नहीं था और भी कोई दीवाना हो गया तुम पर मेरे कैश के सिवा और कौन दीवाना हो सकता है क्या करूं लैला मजबूर है जरा वरना मैं शहर में अपने ये मनादी करती कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को मर गए ओहो अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे कदम ढगमगाए नजर बहकी बहकी ये क्या हो रहा है हुजूर को नवाज बंदा नवाज कयामत की हसीन है बला का हुसन ओहो हुजूर आपके मिजाज तो अच्छे हैं और शोर कराओ और गुल मचाओ लैला जरूर आएगी हाँ हुजूर अब लैला नहीं आएगी क्यों कैश दीवाना है मगर लैला दीवानी नहीं उस अब आप उम्र भर चिल्लाते रहिए हुजूर मगर लैला खिड़की नहीं खोलेगी एक बार और दिखा दो लैला को ओहो हर रोज हसीनों का दीदार नहीं होता हुजूर ये हुस्न का जलवा है हर बार नहीं होता वापस चले चलिए यहाँ से मैं सच कहता हूँ कोई देख लेगा तो और लेने के देने पड़ जाएंगे शरीफों का मोहल्ला है और वो दीवाना अपनी पत्थर मारने वाली फौज लेकर हमला करने वाला है हुजूर निकल चलिए यहाँ से धार का वक्त है नहीं हम लैला को देखे बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे ओहो हुजूर तो फिर आपकी चारपाई और बिस्तर यहीं ले आओ नवाज बंदा नवाज हमें लैला से मोहब्बत हो गई ओहो ये कैसी मुसीबत हो गई है हुजूर जरा आपका दिल देखो आए ओहो हुजूर आपका दिल तो बड़े उसे धक 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 कर रहा है ये जरूर ओहो तो बस फिर आगे जलवा ही जलवा है हुजूर आइए आइए अरे छोड़ो भी ये कहाँ की शराफत है ये कैसी मोहब्बत है हाँ लगे तुम्हारी मोहब्बत में पहले ये बताओ तुम शहजादे को कहाँ ले गए थे आ? वो तमाम रात बेचैन रहा अजी मैं कहाँ ले जाता जिसकी जहाँ आती है वो आप वहाँ पहुँच जाता है इधर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और आशिक की कजा आती है तो वो माशूक की गलियों में भटकता फिरता है कौन आशिक कौन माशूक ये क्या बकवास शुरू कर दिए तुमने किसकी बात कर रहे हो तुम शहजादे की शहजादे की जी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ हम तो मरते मर जाएंगे मगर कभी ये नहीं कहेंगे कि हम किसी पर मरते हैं कहेंगे तो दिल में कहेंगे जुबान से कभी नहीं कहेंगे समझ गई ना अच्छे नवाज जी बंदा नवाज मुझे अपनी बेगम जरी वो बेहद परेशान है शहजादे की बेचैनी से सच बताओ क्या हो गया है शहजादे इश्क इश्क उसको लैला नाम की एक लड़की से इश्क हो गया है वो उस पर आशिक हो गया है हाय फिर मेरी बेगम का क्या होगा वही जो होता है यानी कि शादी से पहले तलाक और दोनों की मोहब्बत का किस्सा पाक नवाज जी 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 बंदा नवाज शहजादा तमाम रात नहीं सोया क्या हो गया है उसे जी हाँ यहाँ की कुछ आबो हवा ही खराब है एक तो खटमलों की बहार और ऊपर से इश्क का आधार क्या बक रहे हो जी कुछ नहीं अल्लाह रहम करे क्या हो गया मेरे शहजादे को मैं अभी आता हूँ ये मुआवजा था शहजादा लैला नाम की एक हसीना पर फिरस्ता हो गया है सुबह बखैर शहजादा आलम सुबह नालों में कटी और शाम जारी में कटी रात कटने को कटी पर बेकरारी में कटी ओह या अल्लाह ये आप क्या कह रहे हैं नवाज जी बंदा नवाज हम लैला पर आशिक हो गए हैं ओह अल्लाह रहम करे हजूर किसी तबीब को बुलाऊं तबीयत साफ हो जाएगी नवाज जी बंदा नवाज हमारा ख्याल है कि लैला भी हम पर आशिक हो गई है आखिर हमारी खूबसूरती भी तो कोई चीज है ना हाँ सरकार है लैला जरूर आशिक हो गई है हम हाँ सरकार जरूर हो गई है जब ही तो उसने खिड़की बंद कर ली थी अरे नवाज जी बंदा नवाज वो तो उसकी एक अदा थी खुदा जब उसने देता है नजाकत
आ ही जाती है। हाय हाय, किसी से लड़ गई आंखें तो शामत आ ही जाती। नवाज जी बंदा नवाज, हम लैला से शादी करना चाहते हैं। ओह नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए। अल्लाह के वास्ते उस दीवाने पर रहम कीजिए जो सिर्फ लैला का नाम लेकर जी रहा है, कहीं उसको पता लग गया तो। तो क्या होगा? होना क्या है सरकार, आपको कोसेगा, जिंदगी भर बद्दुआ देगा। वो दीवाना है और दीवाने की बात दुनिया में सुनता ही कौन है। ओह लेकिन हुजूर लैला को तो वो दीवाना ही पसंद है। हम अपनी दौलत से लैला की पसंद खरीद लेंगे। ओहो हुजूर आप बिल्कुल बच्चे हैं, ना समझ हैं। दौलत से मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। अगर दौलत से फूलों की खुशबू खरीदी जा सकती है, आलिमों का इल्म खरीदा जा सकता है, सिपाहियों की बहादुरी और उनकी जिंदगी खरीदी जा सकती है, तो मोहब्बत का खरीद लेना कौन सी बड़ी बात है। उस दीवाने को हमारे हुजूर में हाजिर करो। हुजूर एक बात कहूँ? हुजूर आपने सिर्फ लैला की एक झलक देखी है तो आपका ये हाल हो गया है। उस बेचारे का ख्याल कीजिए जो 20 साल से उसकी इबादत कर रहा है, 20 साल से लैला से मोहब्बत कर रहा है, 20 साल से उसके प्यार की बातें कर रहा है। अगर ज्यादा बात की तो जबान तराश ली जाएगी। हाजिर करो उस दीवाने को। कोशिश करता हूँ। फिदाए बंदगी ला इंतहा मालूम होती है कि मुझको सूरत लैला खुदा मालूम होती है। ओहो तुम यहाँ रह से मक्खियाँ मार रहे हो, हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ आए हैं। चलो तुम्हें लैला ने बुलाया है। लैला ने मुझे बुलाया? चलो और लैला का घर तो इधर है। ओ, 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 बात यह है कि दुनिया घूमती है प्यारे, और उसके साथ लैला का घर भी घूम गया है। पहले लैला का घर इधर था, अब इधर हो गया है। जल्दी चलो नहीं तो उधर हो जाएगा। मुद्दिबाज निगाहे अदब रूबरू के दीवानों के बादशाह, आशिकों के चैनशाह, पागलों के ताजदार, बियाबानों के हुक्मरां, बालों में खाक गिरे बाचा, धज्जियों का लिबास, सरकार खब्तुल हवास कदम रंजा फरमाते हैं। लैला कहाँ है? ला हौल वला कुव्वत, हर वक्त लैला 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 कहाँ है? अरे यार कभी खुदा का नाम भी लिया कर। आओ जाओ आओ आओ। हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए कैद। ये लैला के कौन है? ये लैला के भाई हैं। नवाज जी बंदा नवाज, माफ करना सरकार भूल हो गई, मेरा मतलब था कि अभी इनका दूर का रिश्ता है, सिर्फ एक नजर का। बैठो कैस, हम शहजादा इराक हैं, आज हम तुमसे एक सौदा करना चाहते हैं। सौदा? मैं तो खुद एक सौदाई हूँ, मैं आंसू बेचकर दिल की तड़प खरीदता हूँ, मुझसे क्या सौदा करोगे शहजादे? अगर चीज पसंद आ जाए तो सौदा करने में क्या हर्ज है? आओ बैठो बैठो बैठो। खूबसूरत परियो, बिजलियां गिराती हुई बाहर आओ। बल खाती हुई आओ, तड़पाती हुई आओ और लहराती हुई आओ। आओ अरे आओ आओ, यहाँ तू खड़ी हो गई हो, इधर आओ इधर आओ। परियो हमारे मेहमान के इर्द गिर्द बैठ जाओ। आप शहनशाह बयाबा हैं, दुनिया का बेहतरीन हुस्न तुम्हारे कदमों में है कैस, इनमें से एक दो जितनी चाहो पसंद कर लो, तुम्हें बख्श दी जाएंगे। इनमें से हर एक लैला का जवाब है। लैला? बस लैला हमें बख्श दो। लैला
ये तो पागल है। पागल तुम हो शहजादे, जो सूरज से कह रहे हो किरणें हमें दे दो, फूल से कहते हो खुशबू हमें दे दो, और जिस्म से कहते हो रूह हमें दे दो। अच्छे खासे आदमी होकर दीवानों की बातें करते हो शहजादे। मोहब्बत खरीदना चले थे? मोहब्बत खरीदनी है तो पहले शमा से उसका जलना खरीदो, परवाने से उसका तड़पना, बुलबुल से उसके नाले और कोयल से उसकी पुकार खरीदो, मजनू से उसकी फरियाद खरीदो और लैला से मजनू की याद खरीदो। लैला, लैला, ये मजनू से तेरी मोहब्बत खरीदना चाहता है, पागल कहीं का दीवाना है, दीवाना। आज आपने दीवाने को छेद दिया, बहुत मार खाएगा बेचारा आज। नवाज जी, बंदा नवाज, हम आज ही यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। ओह, चलो अच्छा हुआ, एक दीवाना तो चला गया, अब दूसरा भी जाने वाला है, शुक्र है अल्लाह का, लैला की जान बच गई। हाँ, क्या कह रहा हूँ नवाज? जी जी जी, जी कुछ नहीं बंदा नवाज। लैला, अब वहशत है दिल लैला, ये रंग नया लाई, मैं खुद तो तमाशा हूँ और लोग तमाशाई। छोड़ दो, क्यों मार रहे हो गरीब को? ये क्या कैश? मेरा कैश, मेरा जान, मेरा कैश। अल्लाह के लिए ठहरो, ये मेरा लख्त जिगर है, इस बूढ़े की दही की सहारा है, मेरे दामन में लिपट जा कैश, लिपट जा। अरे बेरहमो, जला दो इन्हीं बच्चों के लिए, यानी पत्थरों के लिए सूर्य ने अपनी जान को, अपने दिन माँ के बच्चे को छाती से लगा कर पाला था, इन पत्थरों से बूढ़े को मारो, जिसे पत्थर समझकर गलियों के साथ में रगड़ते हो, वो इस बूढ़े का लरड़ता हुआ जिगर है। चले जाओ, चले जाओ बेरहमो। हुजूर, एक बुजुर्ग आया है, मेरा ख्याल है कि वो अमीर आमरी है, लेकिन इतनी खस्ता हालत है कि पहचाने नहीं जाते। अमीर आमरी आए? आमरी की सूरत में आमरी की लाश, अपने लिए कफन का सवाल करने आपके दरे दौलत पर आई है अमीर। मेरे बचपन के दोस्त मीर? अमीर? अमीर नहीं, फकीर। ये क्या फरमा रहे हैं आप? तशरीफ रखिए, कहवा हाजिर है। मेरे नाराज हमसाए, आमिरी सब कुछ लुटाकर आपके दरवाजे पर फकीर, इस इज्जत को बर्दाश्त न कर सकूंगा। आपने कहा था बेटी का रिश्ता मांगना था, तो आपको मेरे घर पर आना चाहिए था, आज मैं आपके घर आया हूं अमीर। आप चाहते हैं कि दीवाने के हाथ में तलवार दे दी जाए, जिससे वो लोगों को कत्ल करता फिरे या खुद अपना गला काट ले? आपकी दानाई धोखा खाती है अमीर, काहिश दीवाना नहीं मेरे दोस्त, दीवाना नहीं। बेगम साहब आपको याद करेंगे। अभी हाजिर हुआ। चलकर फरियाद करती हूँ, आमरी का पयाम मंजूर कर लो, वरना मेरी बच्ची मर जाएगी, मेरी कोख ना उजाड़ो, तुम्हारी इज्जत अपने ही घर को जला देगी, और फिर मेरे लिए खाक उठाने और आंसू बहाने के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। हाँ कह दो अमीर, आज तुम्हारे दरवाजे पर दो दो फकीर खड़े हैं, और दोनों का एक ही सवाल है, लिए हाथ दो, खुदा के लिए मंजूर कर लो मेरे सरदार, मैं तुम्हारे अंदर बहुत समझती हूँ, लल्लाह मेरी बच्ची की जान बचाना। मैं एक शर्त पे आपका पैगाम मंजूर करता हूँ, आप कैश को यहाँ लाइए, तो मेरे अजीजों के सामने यह साबित कीजिए
कि कैस दीवाना नहीं है। अगर कैस दीवाना साबित न हुआ तो मुझे कैस और लैला का अब्द मंजूर है। अमीर मरहबा, तुमने फकीर के सामने लाखों अशरफियां फेंक दी, शुक्रिया के लिए अल्फाज कहां। एक बार फिर मुझे इसके सीने से लिपट जाने दो। तुमने मुझे जिंदा कर दिया, तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मुझे खरीद लिया मेरे आका। दोस्त दरोगा जी, मुझे नसीब मिलने दोगे? नहीं, बगैर बादशाह की इजाजत के कोई नहीं जा सकता। दरोगा जी मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, अभी आ जाऊं। जाऊं जाओ, मगर जल्दी आ जाना। मर गया, हो गया। ओ, नाजरा शुक्र है अल्लाह का तुम आ गई हो, मुझे यहाँ से निकालो। निकालो यहाँ। और ले जाओगे लैला को दिखाने शहजादे को? ओहो मैंने झक मारी, बिल्कुल ले जाऊंगा। अब वो देखो सिपाही आ रहे हैं, मेरे बिल्लो कोई सूरत निकालो, नहीं तो बादशाह सलामत मुझे सूली पर चढ़ा देंगे और तू शादी से पहले ही बेवा हो जाएगी और मैं कुंवारा इस जहान से चला जाऊंगा। अच्छा तो सुनो, जान बचाना है तो जो मैं कहूँ वही बादशाह सलामत से कह देना। ओहो जल्दी बताओ ना फिर। तुम बादशाह के सामने लैला की बिल्कुल तारीफ नहीं करना, कहना लैला बदसूरत है, काली है। मेरे लिए तो सारा जहान बदसूरत है, काला है, गंजा है, काना है, लंगड़ा है, सिवाय तेरे। अस्सलाम वालेकुम दारोगा साहब, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। बहुत अच्छे आज कैसे आ रहे हैं, क्या कर रहे दारोगा? ओहो आराम से दारोगा साहब, मैं अभी शाही खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे जरा इज्जत से ले चलिए। क्या कर रहे हो सिपाहियों? छोड़ दो इसे, इधर आओ। हुजूर माफी चाहता हूँ मैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जरा करीब आओ। ओ और करीब। ओ तुम शहजादे को लैला दिखाने ले गए? मैंने झक मारी, मेरे बाप दादा ने झक मारी जो मुझे पैदा किया इस दिल के लिए। तुमने लैला देखी? जरूर देखी, तभी तो ये हाल हो गया है। कैसी है लैला? हुजूर बड़ी मनहूस है, मैंने तो सिर्फ लैला को देखा ही था तो हवालात में सिपाहियों के कोड़े खाए, और हुजूर जो लैला से मोहब्बत करता है उसे रोटी नहीं मिलती, वो पत्थर खाता है पत्थर। तुम अगर हमारी जगह होते तो अपने जैसे मुजरिम को क्या सजा देते? ओहो हुजूर मेरी ना पूछिए, मैं तो उसे माफ कर देता। क्यों? इसलिए हुजूर न लैला पैदा होती, न कैस पागल होता, न कैस पागल होता, न लोग पत्थर मारते, न लोग पत्थर मारते, न मैं देखता, न मैं देखता, न शहजादे से कहता, न शहजादा लैला को देखता, और ना उस पर आशिक होता, और ना वो उस पर आशिक होता, और ना मैं हवालात में बंद होता, ये सब लैला की माँ का कसूर है हुजूर। हाँ ओहो ये मैंने क्या कह दिया है। लेकिन न शहजादा खाता है, न पीता है, न सोता है, न हंसता है, इसका क्या इलाज? हकीम लुकमान मर गए हुजूर, मोहब्बत का इलाज ना कर सके, मैं भला क्या कर सकता हूँ। हाँ है, है, है? क्या है हुजूर? एक इलाज है। हुजूर क्या है बताइए। अब माँ बदौलत की समझ में आया। हाँ बोलो। कान नजदीक करो। ओहो सचमुच चौधरी का चांद है मेरी लैला, आईने में ऐसी नजर आती है जैसे चांदी के कटोरे में सोने का फूल तैर रहा है। खुशामदी कहीं थी झूठी, ये अपने दूल्हा से कहना, ईमान से मुझ चुम लेंगे। शर्म कहे। अच्छा ये तो बता निकाह में क्या होता है? काजी साहब कैसे पूछेंगे, तुमने कबूल किया लैला को, वो कहेंगे कबूल किया मैंने, फिर पर्दे के बाहर तुमसे पूछेंगे, मैं कहूँगी कबूल किया मैंने। हाँ इतना करना कहना, नहीं तो औरतें नाम रखेंगी, तुम सिर्फ हाँ कहना और वो भी शर्मा। अच्छा हाँ कहूँगी। अजरा एक बार और कैस को देखी? अरे आप तो रोज ही देखोगी। हमें तो कैस में दीवानगी की कोई अलामत नजर नहीं आती। अमीर जो कैस को दीवाना कहे वह खुद दीवाना है। मैं आप लोगों की राय का एहतराम करता हूँ। काजी साहब बिस्मिल्ला। हजूर दरे दौलत पर एक मुआज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए।
ठहरिए काजी साहब, मैं अभी हाजिर हुआ। पापा जान। खैस। अस्सलाम वालेकुम या अमीर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ लाना हुआ? हुजूर, बहुत दूर से आ रहा हूँ, थक कर चूर हो गया हूँ। एक गिलास शरबत मंगवाइए। शरबत हाजिर करो आदिल। हाँ। कैसे तकलीफ फरमाई इतने साजो सामान के साथ? जी हाँ हुजूर, ये तमाम जोड़े, ये तमाम कनीजे, ये तमाम गुलाम, ये तमाम देवराज, ये तमाम जवाहरात और ये तमाम मैं हुजूर की नजर है। ये तोहफे, ये नजराने आखिर किसने भिजवाए? जी अर्ज करता हूँ। जी शुक्रिया, अर्ज करता हूँ, पहले इनको अंदर तो भिजवाइए। चलो चलो चलो। हाँ अब फरमाइए। अरे को खास बात नहीं हुजूर, आपकी दोस्ती का शर्फ हासिल के लिए बादशाह इराक में ये निजराने भेजे हैं। बादशाह इराक? जी हाँ। लेकिन बिलावजह मैं इन्हें कैसे कबूल कर सकता हूँ? मगर हुजूर, आपने तो सब कुछ कबूल कर लिया है। पैगाम लाने वाले को शरबत भी पिला दिया, अरब की रस्म भी पूरी हो गई, और कहना सुनना बाकी रह क्या गया है हुजूर। हाँ। ओहो हुजूर, बस आप इस फरमान पर एक नजर दीजिए। हाँ। ये तोहफे, ये जेवरात, ये सब मेरे कैश में भेजे हैं। उस दीवार के पीछे कैश, उस दीवार के पीछे मुझे कत्ल करने के लिए छुरियां तेज हो रही हैं। कैश। अब्बा जान, मुझे इस मकतल में क्यों लाए हैं? यहाँ मेरे अरमानों को ज़िबह किया जाएगा। तुमने मुझसे खामोश बैठने का? लेकिन कैसे खामोश हूँ? दिल में आग लग रही हो, जबान कैसे खामोश रहे? आशियां जल रहा हो, परिंदा कैसे खामोश रहे? अरे ये तो फिर दीवाना हो गया। नहीं दोस्तों, बिन माँ का बच्चा है, बचपन ही से कभी कभी ऐसी बातें करने लगता है, और कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कैस की जिंदगी तबाहियों से टकरा रही है और आपके लिए कोई बात नहीं। दिल की आग को सारी दुनिया में फैला दो, सारी दुनिया में ऐलान कर दो कि आज फिर दौलत ने मोहब्बत पर फतह पाई है, लालच ने बेटी के बाप को अंधा कर दिया है। कैस, ये क्या कह रहे हो बेटे? दीवाने न बनो, जिंदगी संवरने वाली है, मुराद मिलने वाली है, मुराद मिलने वाली है। अब्बा जान, अशरफियों की सुर्खी, हीरों की ताप और दौलत की चमक देखकर आपका दोस्त फिर बेईमान हो रहा है। इसे महफिल से बाहर ले जाइए, किसी को मार बैठेगा, ये वहशी है, ये दीवाना है। ओ हुजूर की मुस्कुराहट इकरार का ऐलान कर रही है। अब मुझे इनाम देकर रुखसत कीजिए, जब तक मैं जाकर खुशखबरी नहीं सुनाऊंगा मेरा शहजादा रोटी नहीं खाएगा। मुझे एक बड़ा मरहला दरपेश है। ओ अभी हाजिर। मगर अमीर, मैं क्या उम्मीद रखूं? अच्छी उम्मीद रखिए। ओहो लैला, ये जेवर जो तुमने पहने हैं, ये सामान जो तुम देख रही हो, शहजादा वक्त की तरफ से आया है। क्या? हाँ लैला, बादशाह इराक ने वक्त के साथ तुम्हारी शादी का पैगाम भेजा है। ये झूठ है। मैं दीवाना नहीं। अरे मैं इस दीवार के पीछे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, सब देख रहा हूँ। तुम क्या समझो, क्या जानो, मैं तड़प रहा हूँ इसलिए कि मेरी रूह को सीने से निकाल कर जालिम दूसरों के हाथ बेच रहा है। खामोश बेटा, मेरी सुन, मेरे लाडले, मेरी जहीदी की तरफ देख। बूढ़े बाप की जिंदगी से न खेल मेरे। बिजली में क्या करूं जो मेरे आशियाने पर गिरने वाली? उन तीरों क्या इराक ने वक्त के साथ लैला की शादी का पैगाम भेजा? लैला की शादी का पैगाम? नहीं नहीं, ये नहीं होगा। ये जेवरात दोजख के अंगारे हैं, इनमें मेरी लैला की खुशी दल जाएगी। मेरे कदमों से लिपटे हुए सांप पिच्छू दूर कर दो, ये मेरी बच्ची को ढक लेंगे। फेंक दो इन्हें, फेंक दो इन्हें, फेंक दो इन्हें, फेंक दो। मेरी मामता के चांद, मेरी मजबूर जिंदगी, ये क्या तमाशा है? ये तमाशा नहीं, ये तुम्हारी नियत के आईने टूटे पड़े हुए हैं। मैं आज तुम्हारा मर्तबा, तुम्हारी इज्जत किसी की परवाह नहीं करूं। मुझसे मेरी बच्ची का बिलकता देखा नहीं जाता। सांप अपने बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन इंसान बनकर औलाद को अपने गुस्से के जबड़ों में चबा चबा कर खाते हुए तुम्हें देख रही हूं। चले जाओ,
वरना माँ की फरियादें जल्दी से मशाले बनकर तुम्हारे कानों में दाखिल होंगी। होश में आओ ताहिरा, तुम चाहती हो कि मुझे हुक्म देना पड़े? हुक्म नहीं सुना जाएगा। आज माँ औलाद के सुख के लिए अपने मत से बगावत करने खड़ी है, वो किसी का हुक्म नहीं सुनेगी। मेरी बच्ची की मौत खरीदने वाले इन दो सिक्कों को ठोकरे मार कर फेंक दो, बाहर फेंक दो। दौलत को ठुकराने वाला दलील है और दौलत का गुलाम उससे ज्यादा दलील है। खामोश। अमीर, अमीर, इन्हें वापस कर दो, इन्हें वापस कर दो, वरना आप इस घर की सुबह ना होगी, सुबह मर होगी। अमीर, अमीर, कैस छोड़ो बेटा, कैस छोड़ो, छोड़ो बेटा, कैस छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो वो आ गया, बेटी का सौदा करके किस शान से बेटी का सौदा करा रहा है। खुदगर्ज लालची, लाओ 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 वो छुरियां जो तुमने मेरे लिए तेज की है, मारो मुझे, दबा कर दो मुझे। बेटा बेअदब न बन, बदतमीज आवारा गर्क वैसी, जबान को लगाम दे वरना सारी दीवान की खून की नदी में बह जाएगी। सरवर गुस्से की आलियों को रोक लो, मेरी जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा। इसी दीवाने की सिफारिश करने आए थे आप, मुजाहिदा किया आप लोगों ने इस बदनाम को। कहिए कौन सा इतना बेवकूफ बाप होगा जो इस जनूनी और पागल से अपनी बेटी की शादी कर देगा। फरमाइए, लैला के साथ इस दीवाने की शादी नहीं हो सकती? यकीनन नहीं हो सकती। नहीं नहीं सरवर, मेरी बेकसी पर रहम करो, मैं तुम्हारे कदमों पर सर रखता हूं। अमीर अब्बा, आप भी दीवाने बन गए अब्बा, किससे रहम मांगते हैं जो दुनिया की झूठी शोहरत खरीदने के लिए सोने की मिट्टी तले अपने जमीर की लाश दफन कर चुका है। ठहर जा कैस, मुझे आखिरी बार इल्तिजा कर लेने दे। आपको हर इल्तिजा में ठोकरें मिलेंगी, पत्थर से चिंगारियों के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसने लैला को बेच दिया अब्बा, इसने फरोख्त कर दी मेरी जिंदगी। मेरे अजीजो, इस दीवाने की बकवास सुनने के बाद अब्दादे को कहो कि मैं शहजादे इराक के साथ लैला की शादी का पयाम मंजूर करता हूँ। नहीं नहीं, अल्फाज वापस ले ले जालिम, अल्फाज वापस ले ले। बदतमीज कमीने, ज्यादा बात की तो जबान के दो टुकड़े कर दूंगा। सरवर, सरवर इस खंजर के लिए वो सीने नहीं, ये कलेजा है। भोंग दे आज दोस्त के सीने में खंजर, पामाल कर दे आमरी की लाश को, कैस के लिए, लैला के लिए, अपनी जिद के लिए। ठहर क्यों गया वादा फरामोश हमसाए, मुझे क्या खबर थी कि तू घर बुलाकर फकीर के प्याले में थूक देगा। जाओ, निकल जाओ मेरे ऐवान से बाहर। ये मजनू, ये दीवाना, ये वैसी मेरी लैला के काबिल नहीं था। तुम्हारी लैला? अरे तुम्हारी लैला तो दौलत है, तुम लैला को क्या जानो। तुमने लैला का जिस्म तो बेच डाला मगर लैला की रूह मेरी है। लैला, लैला, तुझे तेरा दीवाना पुकार रहा है। कैस, तुझे दीवाने की कसम, अपने मेहमान को सूरत तो दिखा जा। लैला, 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 ये बेहया भरी महफिल में चली आई, ना मुराद, निकाल दो इसे मार के बाहर। लैला, 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 बेरहम जल्लाद। बेटा कैस, कैस अब्बा। नहीं बेटा, अमीर हट जा। जल्लाद ना मार लाला को, जालिम दरवाजा खोल दे। लाला, 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 लैला,
तेरी मेहरबानी देख ली, मेहरबानी देख ली, साथ में मिलती हुई अपनी जवानी देख ली, मेहरबानी देख ली। कहता है कि मैं सूरज की किरणें तोड़ दूं, गुल से खुशबू छीन लूं, कलियों की आंखें फोड़ दूं, दुनिया वाले मैंने ये दुनियाए पानी देख ली, देख लिए इश्क तेरी मेहरबानी देख ली, मेहरबानी देख ली। कादरी साहब तशरीफ लाइए, आपका इंतजार हो रहा है। शाहजादे वक्त को कबूल किया? हाँ कह दो बेटी, ये खानदान की इज्जत का सवाल है, हाँ कह दो। दिन ये बस 50,000 सुर्ख दिना, तुमने शाहजादे वक्त को कबूल किया? लैला अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया लैला ने, मुबारक हो शाहजादे आलम, मुबारक हो। मुबारक हो मेरे शहजादे, मुबारक हो। ओहो आइए आइए काजी साहब, तकरीब लाइए, जल्दी बिस्मिल्लाह कीजिए। हम यहाँ
शाबाश रकाता, हम बहुत खुश हुए। आज जो चाहो हमसे मांग लो। ओहो, मांग ले, डरती क्यों है? मांग ले, हातम के दरवाजे से खाली हाथ न लौट। मांग ले, मांग ले। इस जश्न के दिन तुमने हमें खुश किया है, हम तुम्हें खुश कर देंगे। मांगो, क्या मांगती हो? ओहो हुजूर, मैं कुछ अर्ज करूं? ये मुझसे कह रही थी कि अगर शहजादाए आलम ने कभी कुछ मांगने को कहा तो मैं तुम्हें मांग लूंगी, यानी मुझे हुजूर, मुझे। लेकिन ये खुद क्यों नहीं मांगती? ओहो हुजूर, मांग तो लेती,
जरा शर्म आ गई है। लैला को पा लेने की थी मैं, हमने बख्श दी तुम्हें अपनी रफ्तार। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। आमीन आमीन। सुना रही थी शहजादे। क्या मतलब हुआ इसका? खुदा के लिए मोहब्बत को समझने की कोशिश कर। तुम बच्चे की तरह हथेली पर जलता हुआ चिराग फेंका, हवा में उड़ते हुए जुगनू को पकड़ने दौड़ रहे हो। तुम उससे मोहब्बत करते हो जो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, जो तुमसे मोहब्बत करती है तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। नतीजा आग और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। घर में लगी हुई आग जलने वालों की पुकार नहीं सुना करती। खामोश रहो वरना मुझे उस सांस की तरह ये सांस भी तोड़ देना पड़ेगा। ये सांस भी तोड़ देना, लेकिन इससे पहले उसकी पुकार सुन लो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम लैला से प्यार करते हो, लैला कैस से प्यार करती है, कैस लैला से प्यार करता है। तुम अपनी एक जिद के लिए चार जिंदगियों का खून कर रहे हो। खुदा के लिए लैला को आजाद कर दो। वो हसीन परिंदा इस कफस के काबिल नहीं, उसे उसी बहिष्ट में जाने दो जो कैस ने अपने अरमानों से बना रखी। अगर लैला को मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो उसने भरी महफिल में मुझसे शादी का इकरार क्यों किया? इकरार किया होता तो आज चार दिन हो गए। हर तरह की खातिर दिलजोई के बावजूद भी वो तुम्हारी तरफ क्यों मायल नहीं होती? यही वो राज है जो मैं तुम्हें समझाना चाहती। लैला कैस की अमानत है। वो अपने घर में रहे, तुम्हारे घर में रहे, जंगल में रहे, जहाँ भी रहेगी कैस की अमानत बनकर रहेगी। मेरी हरम को गैर की अमानत कहते हुए शर्म नहीं आती?
नया परिंदा कफस में आते ही मानुष नहीं होता। मेरा सलूक, प्यार का बर्ताव उसे एक दिन जरूर मेरा बना देगा। जो चीज तुम्हारी है ही नहीं, उसे कोई भी तुम्हारा नहीं बना सकता। तुम औरत की आंखों से औरत के दिल की किताब नहीं पढ़ सकते, तो जाओ लैला की आंखों में देखो। अगर तुम्हारी बजाय कैस नजर ना आए तो मुझे आंखों कत्ल कर देना। मलिका, मेरी आंखों में देखो, दिल में देखो, हर जगह तुम्हारी ही तस्वीर नजर आएगी। एक बार मुस्कुराओ लैला, ताकि ये दो दीवार जगमगाने लगे। कैस की याद ने मेरे होंठों की मुस्कुराहट छीन ली है शहजादी। एक दीवाने के ख्याल में क्यों इतनी दीवानी हो रही हो? तुम एक खूबसूरत बांसुरी की मानिंद हो, जिसके सीने में हजारों मीठे और रसीले नगमे भरे पड़े हैं। ऐसे नगमे जो रूह को अपने बाजुओं पर बिठाकर फिरदौस की हवाओं में पहुंचा दें। आपने सिर्फ बांसुरी को देखा है, बांसुरी के सीने के उन जख्मों को नहीं देखा जिनसे दर्द भरी ताने निकलती हैं, जो अपने बिछड़े हुए साथियों की याद में रोती है, और बजाने वाला उसकी फरियाद को बाहरों के गीत समझता है। तुम अल्फाज के पर्दों में अपने शौहर की तौहीन कर रही हो लैला। शौहर, मैं पूछती हूँ, क्या आपकी पीठ पर उन कोरों के निशानात हैं जो मेरी मोहब्बत में आपको मारे गए? आपके दिल में हसरत और नाकामी के इतने दाग हैं जिनसे आपका सीना रश के चिरागा बन सके? आपके तलुओं में बबूल के इतने कांटे चुभे हैं जो मेरी तलाश का सबूत दे सके? आपके सर में इतनी खाक है जिसे मेरी तुर्बत बन सके? शौहर के लिए इतने इम्तहान जरूरी नहीं? और फिर शहजादों की मोहब्बत, हमारी मोहब्बत हमारी पसंद का नाम है। हमारा इंतजार करो। जुल्म का इरादा ना करो शहजादे, लैला तुम्हारी नहीं है। तुम हर बार मेरे ख्यालात को परेशान करने क्यों आती हो? जब इंसान वैसी तरिंदों को मानूस कर सकता है तो लैला क्या चीज है? तुम समझ रहे हो, कफस की तीलियां मजबूत हैं, परिंदा बेबस है, और मैं उस परिंदे की दास्तान सुन रही हूँ जो कफस के अंदर क्या चाह रहा है। इधर देखो, ये कफस है, ये लैला है, और इसके जिसमें से कैस की रूह चुका रही है। दूर फेंक दो इसे मेरे सामने से। लैला कैस से इतनी दूर होने पर भी दोनों एक जिस्म जान कैसे हो सकते हैं? समंदर का पानी बादलों से कितनी दूर है, मगर दोनों एक ही चीज है शहजादे। बेवकूफ औरत हर बार प्यासे के हाथ से पानी का कटोरा छीन लेती है, ये नहीं जानती कि इत्र हासिल करने के लिए फूलों को निचोड़ा जाता है। आबे हयात के तलबगार को जुल्मात से गुजरना पड़ता है। जुल्मात की तकलीफें उठाने के बाद भी, खिज्र जैसा रहनुमा पाने के बाद भी, सिकंदर की किस्मत में आबे हयात नहीं था और नहीं मिला। आज यही आजमाना है कि जो चीज मेरी है वो मेरी क्यों कर नहीं हो सकती। लैला का इम्तिहान ना लो शहजादे, अगर तुम उसे जलाकर खाक भी कर दोगे तो उसकी खाक भी होकर कैस के दामन से लिपट जाएगी। कैस के दामन से लिपट जाएगी? एक रिश्वत पाए हुए अफसर की तरह अपनी ही बात मनवाना चाहती है। लैला को आजाद कर दो। क्यों आजाद कर दें? हम लैला को भगा कर नहीं लाए, ब्याह कर लाए। जब भी इरादा करता हूं एक नया खौफ दिलाकर मेरे कदमों को डगमगा देती है। निकल जाओ मेरी जन्नत से बाहर।
जज्बात से बेताब होकर आज मैं तुमसे अपना हक शौहरी तलब करने आया हूँ। कौन से किया है आपने, जिसका हक चाहिए? कौन से बेकस पर रहम किया है आपने, जिसके लिए जन्नत चाहिए? एक बेकस लड़की को दौलत और हुकूमत के जोर से खरीद कर अपने घर में कैद कर दिया। इस
बहादुरी का इनाम भी मांगने आए तो किससे, जिसे बर्बाद कर चुके। खजाना मांगने आए तो खंडर से, जिंदगी की बाहर लूटने आए तो लाश से। बढ़ता हुआ दरिया, फैलती हुई आग, उमड़े हुए जज्बात, किसी के रोके नहीं रुकते लैला। आज तुम्हें मेरा बनना ही पड़ेगा। जब तक रोए रोए से ये आवाज सुनाई देती रहेगी कि कैस लैला का है और लैला कैस की है, उस वक्त तक कोई मुझे आपका नहीं बना सकता। आज यही साबित करने आया हूँ कि लैला मेरी है। ये जिस्म आपका हो सकता है जब इसमें जान ना होगी, ये दिल आपका हो सकता है जब इसमें कैस की मोहब्बत न होगी। मैं तुम्हारे कैस को कत्ल कर दूंगा। शाख को तराश लोगे तो फल अपने आप मुरझा जाएगा। जिस दिन कैस दुनिया में न होगा उस दिन लैला भी दुनिया में न होगी। बाग में बहार आने से पहले बारिश होती है। मैं तुम्हारे आंसुओं को बहार की आमद और पुकार को बुलबुल के चहचहे समझता हूं। करीब आओ, इस आगोश में इस तरह से आ जाओ जिस तरह के फल टूट कर बागबान की झोली में गिर पड़ता है। दूर रहो शहजादी, मैंने जिंदगी को एक ही नाम के लिए बर्बाद करने की कसम खाई है, वो नाम है कैस, लैला का दीवाना। मर चुका कैस, मर चुका दीवाना। वो तुम्हारा ईमान नहीं है। उस खुदा पर ईमान है मेरा जो हर चीज पर कादिर है, इसीलिए उस पर भरोसा करके यहां आई। अगर आज उसने मेरी मदद न की तो मेरे दिल में बसने वाला ईमान जलकर खाक हो जाएगा। खुदा और ईमान का सहारा लेकर तुम मेरी बज़्म ऐश को दरहम बरहम करना चाहती हो, ये कभी नहीं होगा। ऐसा ना समझिए शहजादे, आज तक यही सुनती आई थी कि खुदा मजलूमों की मदद करता है, जालिमों को नेक तौफीक देता है, तौबा करते ही गुनाहगार को बख्श देता है। खुदा का बंदों पर हक है तो क्या बंदे का खुदा पर कोई हक नहीं? आज यही देखना है मुझे, अगर वो इस मुसीबत से न बचा सका तो मैं जुल्म की तलवार पर खुद ही गला रख दूंगी और पुकार कर कहूंगी कि दुनिया ने खुदा का झूठा ढोंग रचा रखा है। आगे बढ़िए, लैला आपका नहीं खुदा का इम्तिहान ले रही है। खुदा की अजमत और ताकत का नमूना मर्द की जात है और औरत में खुदा का नूर दिखाई देता है। अपनी अजमत और ताकत दिखाकर खुदा अपने नूर को बर्बाद नहीं करेगा। मेरे आंसुओं की तरह आपके जिस्म के हर रोंगटे में, खून के हर कतरे में, सांस की हर लहर में खुदा ही खुदा है, जिसने आपकी ताकत और बेरहमी को, जो एक कमजोर को सताने पर आमादा है, उसे रोक रखा है। लैला, आपकी ताकत और बेरहमी सताने के बदले मेरी हिफाजत करेगी। लैला खामोश हो जाओ। आपके हाथ अपनी जगह पर इस तरह हरकत कर रहे हैं जैसे वो कुछ सोच रहे हैं। आपके जमीर और दिमाग में जंग हो रही है और यही खुदा के वजूद को साबित कर रही है। आगे बढ़िए शहजादे। अगर कोई दुश्मन मुझे ये ताने देता तो मेरे कदम कभी पीछे न हटते, लेकिन तुम एक कमजोर। आगे बढ़िए शहजादे, मेरी गमगीन निगाहें आपके जुल्म को दावत दे रही है। फड़कती हुई लाश से जिंदगी की आखिरी हरारत छीन लीजिए। दुश्मन को जीतने वाले मगरूर साहब की तरह मेरी शरफ का खून पी लीजिए। शहजादे, लैला, मैंने तुम्हें रस्म और रिवाज की कैद से आजाद किया। आज से तुम मेरी बहन हो। मेरे शहजादे। नहीं, तुम्हारा भाई।
ساربان محمل کو صحرائے نجد پہ لے جانا اور فیض کی امانت فیض کی نظر کر دینا. لیلہ شہنشاہ محبت سے ہمارا سلام کہنا. لیلہ کا روا روا آپ کا احسان مند ہے شہزادہ. ندامت کے آنسو تمہاری محبت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. لیلہ احسان یاد دلا کر اور شرمندہ نہ کرو. خدا حافظ. خدا حافظ لیلہ. میرے صحرائی دوستو تم محبت کی زبان سمجھتے ہو اسی لیے دیوانہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تم دیوانے کے ساتھ. جاؤ لیلہ کو میرا سلام کہو. نہیں مت جاؤ. لیلہ یہ دیکھو ہوا کا جھونکا کہہ رہا ہے کہ میری لیلہ کا محمل آ رہا ہے. ہاں میری لیلہ آ رہی ہے. میں آ رہا ہوں لیلہ. میں آ رہا ہوں. تیرا دیوان آ رہا ہے. تیرا مجنو آ رہا ہے. لیلہ میں آیا. میں آیا لیلہ. Thank you.
लैला। हसरत में बेताबी के साथ रह गए फैला के हाय दोनों हाथ, फूल दो दिन हंस के जी बहला गए और ये गुंचे बिन खिले मुरझा गए। आए ठहरे और गुजरे काफिले, फिर न ऐसे चाहने वाले मिले। मौत से क्यों इश्क शर्मिंदा रहे, कैसो लैला मर के भी जिंदा रहे, कैसो लैला मर के भी जिंदा रहे। Like, share and subscribe to TV Next Bollywood.